क्या बात है दीदी, आज तो आप बड़े महीनों बाद पनीर बना रहे हो। एक काल करवा चौथ है ना, उतरा जेठ बरती रहोगा, सोचूंगी दही में थोड़ा प्रोटीन घाल दूं। पिछली बार भी करवा चौथ पे बेहोश होकर पड़ गया था फरश पे, घिसड़ा घिसड़ा अंडा था बेचारा, शरीर तो थोड़ा कमजोर है। वैसे देखने में जेठ जी इतने कमजोर लगते तो नहीं है। ए ऊपर ऊपर तो पिल पिला है, भीतर तो कुछ भी एनर्जी कोन्या, सारी बुझ जाएगी क्या तू बावली। पिछली बार बेहोश होके मैच पे पड़ गया था या कून लगी माथे पे, पर रोया नहीं, बोलिया बेबी तेरे से इतना प्यार करता हूँ, ये बता माथा पट्या है और जो पाछा भी पट जाए ना उफ तक नहीं करूँ। हाँ दीदी ये बात तो है, जेठ जी आपसे बहुत प्यार करते हैं। और जीजी 3 साल से लगातार व्रत धरने लग रहे हैं मेरे लिए। अच्छा 3 साल से व्रत रखते हैं आपके लिए। और बावली, और 3 साल तक मेरे लिए रख रहा है, उससे पहले कॉलेज में अपनी सेटिंगों के लिए रखता था। भाई रोई सारी प्रैक्टिस करवा के जा रही है उसकी, और बेनिफिट मुझे मिल रहा है डे नाइट। ये तो है दीदी, लकी तो बहुत हो आप। पर तू क्यों दुखी हो रही है, टिंकू नहीं डरता तेरता ही करवा चौथ का व्रत। नहीं वो तो नहीं रखते, वैसे मैंने कभी बोला भी नहीं है, गैस हो जाती है ना उनको भूखा रहने से। ए ये सारे बहाने हैं, गैस बन जाती है पाद लेगा, होने दे बटा बट, जब तेरी गलती है नहीं तो तू क्यों डर रही है, होने दे ठूठाए ठस। नहीं दीदी बस प्रिकॉशंस की बात है, डरती मैं किसी चीज से नहीं हूँ। और के बावली, करवा चौथ तो हम लुगाइयों के लिए होता है, लोगों के लिए तो ये लव टेस्ट है। लव टेस्ट? अगर वो तेरे से साचा लव करता है ना तो तेरे लिए पक्का व्रत धरेगा। नहीं दीदी ये तो मुझे पता है, लव तो मुझे वो बहुत करते हैं। गधी की टेंट लव करता है तुझे, सब ऊपर ऊपर का दिखावा है ये, बावली बुच बनाने का सौदा। जब तू उसके लिए भूखी रह सकती है तो वो तेरे लिए भूखा नहीं रह सकता, नॉनसेंस। वो तो दीदी मैं उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हूँ ना। तो बावली तन्ने लंबी उम्र ना चाहिए के, अगर तू जल्दी लुढ़क गई तो वो तो बाज का दूसरा ब्याह कर लेगा, फिर लखाइए तू आसमान में बैठी मटर मटर, देखिए अपने लोग का सेकंड हनीमून के कर वही चाल रही है। नहीं दीदी बात तो आप सही कह रहे हो, रखना चाहिए उन्हें भी मेरे लिए करवा चौथ का व्रत। और बेरा तो पट्टे कितने नंबर आए हेलो टेस्ट में, फेल होया पास होया। वैसे कंपार्टमेंट भी तो आ सकती है। अरे चौथ तो इनके चक्रा मत पड़े, अपने व्रत की तैयारी कर ले। सॉरी हनी, ले थोड़ा कच्चा पनीर खा ले ना, फिर काल घिसड़ा घिसड़ा अंडा का फरस पे, एनर्जी नहीं होती बेबी मेरे शरीर में व्रत पे, पिल पोटन सा। टिंकू भाई तू भी व्रत धर रहा है, बाप भी तो इस बार करवा चौथ का। अरे पागल है के यार तू, ये व्रत व्रत मेरे तना हो है। अरे भाई लोग आइया ना घना सरपना चढ़ाया है, मर्द मानस है यार हम। हाँ मोनिका, अरे हाँ हाँ रखूंगा तेरे लिए व्रत। एक ही देख सुसरे ने, ब्याह हो नहीं रहा व्रत धरेगा यो। भाई मेरे तो भूखा रहा नहीं जावे, अरीब कचौड़ी वाले तो हो गया दोस्ती, एक दिन ना जाओ ससुरा बुरा मान जावे। ना ना सही कह रहा भाई, और तू तो पौनी के टाइम जाता होगा उस दौरे। और भाई फिर वेट भी तो मेंटेन करना है। ना 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 सही बात है भाई, 150-200 किलो का तो मर्द मानस होना ही चाहिए। हारी ना, अरे रखूंगा तेरे लिए व्रत। अरे बुंडी शक्ल के आश्चर्य के, किस किस की ताई व्रत धरेगा भाई तू। अरे व्रत तो किसी की ताई ना धरूं, वो कौन सा दिखना है भाई। टिंकू मैं तो व्रत धरना पड़ेगा, मेरी लुगाई ना माने। अरे इस सुसरे की घर में चालती कौन है भाई साहब, घर का चू मुखिया है तू, तेरा कंट्रोल होना चाहिए लुगाई पे। हाँ सीमा, अरे हाँ हाँ धरूंगा तेरे लिए व्रत। अरे वो शिंगाड़े शक्ल की एक बात बता, जो चांद ते एक का टाइम लिखेगा, सीमा रीना मोनिका किस तो मुँह दिखाओगा भाई तू। अरे भाई करेंगे थोड़ा सा टाइम एडजस्ट। भाई मुँह देखने तो याद आया, मैं तो बाजार जाऊँगा एक बारी। क्या होगा बाजार में? यार तेरी भाभी ने एक छालनी मंगाई है, कल उसमें मेरा मुँह देख के व्रत खोलेगी वो। छलनी मार जाएगा तेरा पूरा मुंह। ओ तू घना मत बोल ले कर। अरे यार मैं तनु कह रहा हूँ कि अगर छालनी मना होता हो ना तो परात में गट्टे कर लिए, पूरा चेहरा आ गया उसमें फुल मुंह। शांत सरोस बोल ले जा। ओ मर्दमानस। सुनो जी मैं सोच रही थी इस बार आप भी मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रख लो। व्रत की क्या जरूरत है यार, मैं तो हर बार की तरह तेरे हाथों में मेहंदी लगा दूंगा ना, तुझे तो पता ही है मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है। मैं मेहंदी की बात नहीं कर रही, मैं व्रत की बात कर रही हूँ। हाँ हाँ बेबी मैं तो तेरे लिए व्रत भी रख सकता हूँ, पर तेरे को पता है ना भूखा रहने से मेरे पेट में गैस बन जाती है। मुझे पता था कि तुम ऐसे ही बहाने बनाओगे, और जब गैस बनती है तो करते रहना धमाके, जब मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों डरूं। हाँ तू कहाँ डर रही है, तू तो डरा रही है यार। बकवास मत करो तुम, और मैंने बोल दिया ना कल व्रत रखना है तो मतलब रखना है, वरना आज के बाद मुझसे बात मत करना तुम। हाँ रख लूंगा यार, इतना गुस्सा मत हो, मर्द मानस का दिल कमजोर होता है। अरे वाह दीदी आपके हाथ तो बहुत चिकने हो रहे, कहाँ से वैक्स कराई है आपने? ये वो भावना नहीं है ब्यूटी पार्लर वाली, उड़े तो काल मन 850 रुपए की व्हाइट चॉकलेट वैक्स करवाई है। व्हाइट चॉकलेट वैक्स? और पहला उन्होंने मेरे हाथों पर सफेद सफेद पाउडर लगा दिया, और फिर उसके ऊपर तो वैक्स दर दिया, और फिर टिश्यू पेपर लेके नू चढ़ 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 सारे बाल पाट दिए मेरी भाभी ने। मैं तो इसी चिकनी हो रही हूँ, आज तो तेरा जेठ कती रज्जी हो जाएगा।
जी जी आपको तो फेस भी बहुत चमक रहा है। ये चेहरा क्यों ना चमकेगा, फेशियल भी करवा कर। मेरा फेशियल छोड़, ये तो ना डाढ़ी मूछ आधी क्यों कटवा रखी है। अरे जी जी करवान तो पूरा गई थी, पर यहाँ आते आते पैसे खत्म हो गए। ओहो, और आपको तो पता ही है गुप्ता जी कितने कंजूस हैं। ना यह बात तो ठीक का है, पैसा के मामले में तो गुप्ता कति असली है। आपको कैसे पता? ये सारी ना बुझ जाकर दुख तो नहीं होगा भाई? देखो इस मामले में तो हमारे जेठ जी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल खुले दिल के हैं। हाँ ये तो है, टेडी जी पैसे तो खूब खर्चते हैं। अच्छा दीदी इस बार कितने पैसे दिए? ये 5,000 रुपए दिए थे, 3,000 का तो मैं वो सूट ली आई, सरारा सरारा, 2,500 ब्यूटी पार्लर वाली ने ले लिए। अच्छा क्या क्या कराया आपने? फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हाथ देख कितने चीकने काट रखे हैं। जी जी 3,000 रुपए का सूट, 2,500 रुपए ब्यूटी पार्लर के, ये तो 5,500 रुपए हुए, 500 रुपए एक्स्ट्रा कहाँ से आए? ये सारी ना बुझ जा करे, दुख तन नहीं होगा। दीदी इस बार तो मैंने टिंकू को भी मना लिया व्रत रखने के लिए। ना ठीक करया, और नजर राखिए कदा कुछ खाना ले, ये मर्द मानस बहुत तेज हो हैं। गुप्ता जी भी रखते हैं तेरे लिए व्रत? ना जी जी वो तो बीड़ी बहुत पीते हैं। हाँ बीड़ी की तो उसको बहुत बुरी आदत है, उसके तो कपड़ों में से भी बीड़ी की बदबू आती है। आपको कैसे पता? ये सारी ना बुझ जा करे, दुख तन नहीं होगा। ये काम कर ले, ये 200 रुपये ले जा, और अपनी ये बाकी की डाढ़ी मूछ भी पड़वाया जा। ये तो बहुत रुपये ले रही है तू, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? ये सारी मत बुझ जाए, कुछ बात गुप्त ही अच्छी है, गुप्त गुप्त दुख तन नहीं होगा। ले दो सभी उल्टे दो, चले दो। यार भूख सी लग रही है, पेट में मरोड़े से उठे हैं, कुछ खा सकते हैं क्या? जो खाना है चांद निकलने के बाद खाना है, मैं भी तो सुबह से भूखी बैठी हूँ यहाँ पे। क्यों झूठ बोलने लग रही है, आधा किलो तो लिपस्टिक खागी तू सुबह ते। बकवास बंद करो। ओ ये सेब तो खा सकते होंगे ना, ये तो डॉक्टर भी कहते हैं बहुत हेल्दी चीज होती है। साइड में रख दो इसे। हाँ हाँ रख रहा हूँ, मैं तो बस ये देख रहा था कितना लाल है। मैगी खा सकते हैं क्या? कुछ नहीं खा सकते। ऐसा तो कुछ नहीं होता यार के कुछ नहीं खा सकते, मैं बचपन से देख रहा हूँ मम्मी नानी दादी, अभी नवरात्रि का व्रत रखा था ना, कुट्टू के आटे के पराठे पकोड़े चिप्स पता नहीं क्या क्या खाते हैं, फिर हम क्यों नहीं खा सकते भाई? एक चीज खा सकते हैं। क्या खा सकते हैं? चप्पल। तू ही खा ले, मेरा तो व्रत है। हाँ विकास। हाँ भाई टिंकू, के बात आज आया नीताश खेलन? अरे यार आज मेरी थोड़ी एनर्जी सी डाउन है। अरे भाभी के लिए व्रत धर लिया के? अरे ना ना यार व्रत की के बात है, हम मर्द मानस हैं। ये जो थारी सोच है ना कि हम मर्द मानस हैं, ये बहुत गलत है। तुम्हें अपनी बीवी की लंबी उम्र के लिए उपवास रखना चाहिए, खुद तो तुम्हें कोई तमीज है नहीं, मेल शोमनी स्टोर हो तुम तो पूरे, और मेरे को और बिगाड़ रहे हो। रखो अपनी बीवी के लिए व्रत तुम भी, पागल नॉनसेंस। अरे दीदी ये चांद कब निकलेगा, मेरी तो भूख से जान निकले जा रही है। ए, मैं के बताऊं जी जी, मेरा तो खुद जी काल जे मार रहा है, एक बार बस यो चांद दिख जा इतनी टिकट बता दूंगी, आलू प्याज गोभी पनीर मागी शुद्ध माठा दूंगी, प्याज चटनी सब कुछ। दीदी मेरा तो चाउमीन खाने का मन कर रहा है। ए, मेरा मोमोज खाने का जी हो रहा है। मोमोज से याद आया, शाम से जेठ जी नहीं दिखाई दे रहे, वो कहां गए? ए यो पड़े तेरा जेठ, कचौड़ी समोसे भटूरे। ओ माय गॉड दीदी इनकी तो हालत बहुत ज्यादा खराब है, आप इनको कुछ दे दो खाने के लिए। अरे कुछ ना हो रहा है इसके, मर्द मानस है यो, ये कुछ ना होता, यो तो मेरे प्यार में पागल हो रहा है, एक रसगुल्ला ये मुंह में जाग ना गुड़प ईशा कुदा कुदा आंटा का सारी छात पर देखिए तू। जलेबी गुलाब जामुन रसगुल्ले। अरे दीदी चांद आ गया, चांद आ गया। ओए 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 ओए। मैं भी टिंकू को बुला के लाती हूँ, ठीक है? हाँ जा जा, मैं भी अपने बेबी ने जगा लूं। कचौड़ी बेबी 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 चलो चलो चांद निकला है, बेबी चलो उठो बेबी उठो। अरे मैंने चांद ना चेड़े कचौड़ी चाहिए। बेबी पहले छल्ली में तेरा मुंह देखूंगी जब तो तू कचौड़ी खाओगा, उठो उठो उठो, ले मुंह दिखा छल्ली में मुझे अपना। ना दिख रहा बेबी इसमें, बस तेरा नाक नाक दिखे है। तू भी पूरा मुंह देखेगी, पूरा मुंह देखना पड़े बेबी जब व्रत खुल लगायो। मैं क्या करूं भगवान, और रुक मैं वो टंकी का ढक्कन तार के ले आऊं, मैं घट्टे कर लूंगी, तेरा पूरा मुंह दिख जाएगा। ठीक है बेबी ठीक है, रुक रुक मैं भी बेबी मरवा के मानेगी। बेबी ले इसमें घट्टा कर लेते हैं, बेबी इसमें घट्टा कर दे। पिछली बार भी बेचारा बेहोश और कपड़ गया था फरस पे, घिसड़ा घिसड़ा अंडा था न्यू, कमजोरी है उन थोड़ी मर्दाना ताकत को न्या। पर बोलिया बेबी तेरे से प्यार करता हूँ, करवा चौथ पे से बहन की टैट हो जा। नहीं दीदी बात तो आप सही कह रहे हो, रखना चाहिए उन्हें भी मेरे लिए हनीमून। और बावली लोग आई होती है लोग। असली लोग।
हाँ या तो ट्रू कह रही है वैसे चॉकलेट बैग्स और उसने नू मेरे आता बना नू कर दिया नू तुक तुक तो वो तो बाज के दूसरा ब्याह कर लेगा और तू देखिए आसमान में तो लखइए बैठी बैठी मटर अपने लोग का चटर पटर अगर तू जल्दी लुटक गई तो वो तो बाज के कर देगा काम बट देख के दिहाड़ी ढूंढ रहा कहीं तो बावली तन्ने भी तो चाहिए कुछ तेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्या ये 5,000 रुपये दिए थे 3,000 तो मैं ब्यूटी पार्लर में नहीं बुढ़ा की तो अपनी इस चीज करवा गई थी क्या होगा बाजार में अरे वो तेरी भाभी ने छलनी मंगाई है क्या करेगी उसका मेरा मुंह देखेगी तेरा मुंह आ जाएगा दीदी इस बार कितने रुपए दिए ये 5,000 दिए थे यो तने कलत्र तो लगाया ना त्रित सर में मारूंगा मैं बीत में लगा रखा कलत्र टी शर्ट के लगा दे अरे यार नु कह दे तेरी घर में चालती कौन है अरे तू घर का मुंह उच्चू तू है चुचू मुंह में अरे ये सेब तो खा सकते होंगे ना ये तो डॉक्टर भी कहते हैं बहुत हेल्दी चीज होती है ये तो भाई साहब घर का मुंह क्या है तू बावली बूच क्या है तू घर का चूतिया मुंह क्या होगा बाजार में यार वो तेरी भाभी ने छालनी मंगाई है उसमें मुंह देख के कल मेरा वर्थ खोलेगी नचिए अड़क चोड़ी चिए अरे बेबी पहले तेरा चांद देखूंगी हाय गाइस तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही वी विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी करवा चौथ और इस वीडियो को लाइक कर दो कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी और सब्सक्राइब टू एल शोकीन फिल्म्स एंड कीप एंजॉयिंग स्टे हैप्पी हेल्दी बाय बाय चलो तेरे तक थोड़ी खुआ के ले